नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और 70 साल बाद भारत आने वाले हैं चीते। थोड़ी देर में ग्वालियर लैंड करेंगे, सुबह 8 बजे तक कूनो पहुंच जाएंगे। यार चीते, तीन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे बाड़े में छोड़े जाएंगे ये चीते। भारत में चीतों की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नामीबिया से सीधे ग्वालियर लैंड करेंगे ये चीते और 8 बजे तक कूनो पहुंच जाएंगे ये चीते। 8 चीते यहां बुलाए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे बाड़े में छोड़े जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज जन्मदिन भी है। और अपने जन्मदिन के मौके पर वो मध्य प्रदेश में, और अब मध्य प्रदेश के दिल में चीतों की गुर्राहट सुनाई देगी। चीते दौड़ते नजर आएंगे। और क्या ग्वालियर लैंड कर गए हैं या लैंड करने वाले हैं, ये तमाम तरह की खबरें आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। ग्वालियर में हमारे संवाददाता उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या स्थिति है? क्या वो जंबो जेट प्लेन आ गया है जिसमें वो 8 चीते हैं, या थोड़ी देर और इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जंबो जेट जो विमान, स्पेशल विमान है, वो अभी आया नहीं है। कुछ ही देर में ग्वालियर एयरपोर्ट पर वो पहुंचने वाला है। और मैं पहले आपको पीछे की तस्वीरें बता रहा हूँ। अभी ये अधिकारी वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और अन्य विभाग के जो कर्मचारी वो यहाँ मौजूद हैं इस समय। अभी हालांकि एंट्री गेट पर नहीं दी गई है, लेकिन बाहर आप देख सकते हो जो वाहनों का काफिला है वो पूरी तरह लंबी लंबी कतारों में यहाँ जमा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो जो चीते हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और लगभग 9:45 पर पीएम मोदी भी ग्वालियर से आएंगे और यहीं से जो कूनो अभ्यारण्य वहाँ पहुंचेंगे। कूनो नेशनल पार्क में ये चीते हैं, 8 चीते हैं वो छोड़े जाएंगे, जिसमें से 3 नर हैं और 5 मादाएं, इनको वहाँ छोड़ा जाएगा। और चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि ये स्पेशल विमान जो आया है वो विशेष तरह से बनाया गया है चीतों के लिए। अलग अलग पिंजरे रखे गए हैं, दूरी बनाई गई है और उसको सुरक्षित अभी ग्वालियर कुछ ही देर में आने वाला है। यानी जो भारत का 70 साल का जो लंबा इंतजार था वो अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ ये जो चीते हैं वो छोड़े जाएंगे। और यहाँ जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर जो बाड़े बनाए गए हैं उनके लिए विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है। लंबी लंबी घासें हैं और चूंकि वहाँ चीतल भी हैं इसीलिए ये जो चीते हैं वो विशेष तौर पर वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जिस तरह से लंबा जो इंतजार था वो अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। उमेश, जरा तस्वीरें दिखाइए प्रशासनिक अधिकारियों की उस तैयारी की। अपने कैमरामैन से कहिए कि तस्वीरें हम तक पहुँचाए। और ये सीधे एयरपोर्ट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में वो विमान लैंड करेगा, जिस विमान को आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी कि नामीबिया से जब वो उड़ान भरने वाला था तब उसकी तस्वीर सामने आई थी। अंदर की और बाहर की वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिस पर प्लेन पर चीतों की तस्वीर बनी हुई थी। वो प्लेन कुछ ही देर में लैंड करने वाला है ग्वालियर में, और साथ ही साथ अंदर की भी तस्वीरें कि अलग अलग पिंजरों में उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। ये वो प्लेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर ग्वालियर की, ये ग्वालियर के एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। अभी यहाँ वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस, सुरक्षाकर्मी, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, जो जानवर के डॉक्टर हैं वो भी वहाँ तत्काल मौजूद रहे हैं। अब ऐसे में प्लेन से ये वो अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और ये नामीबिया का एयरपोर्ट जहाँ से ये प्लेन रवाना हुआ है। तो पहली बार अपने तरह का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ भारत ने किया, नामीबिया के 8 चीते जो कि कूनो नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। सुबह 11 बजे ये तस्वीर आप तक पहुंचेगी। तो ग्वालियर एयरपोर्ट और नामीबिया एयरपोर्ट, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई और उन चीतों की भी तस्वीरें दिखाते हैं जो कूनो के उस पार्क में दौड़ते नजर आएंगे। तो स्पीड का बादशाह और जंगल का शहंशाह चीता हिंदुस्तानी बनने जा रहा है। नामीबिया का जरूर है, लेकिन आज से ये चीता हिंदुस्तानी कहलाएगा। तो लगभग 3.5 साल और 4 साल के ये चीते बुलाए जा रहे हैं। और
एक बड़ी बात ये देखिए, ये इनका ये पिंजरा है, पिंजरा बंद होते ही जरूर देखने जरूर लगा कि बंद क्यों कर दिया गया ये, और ये पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कुछ ही पलों में भारत के 70 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। नामीबिया से चीते भारत की जमीन पर कदम रखेंगे और वो भी हिंदुस्तान के दिल में और सीधा ग्वालियर एयरपोर्ट पर। यह दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक खास तरह का पिंजरा बनाया गया, रोशनी हवा वो सारी चीजें उनको उपलब्ध हो सके। खबर यह भी है कि उनको पिंजरों में डालने से पहले एक रूटीन चेकअप उनका किया गया था, रूटीन चेकअप किया गया था और उसके बाद उन्हें पिंजरों में डाला गया। इसके बाद अब थोड़ी देर में ये ग्वालियर एयरपोर्ट आने वाले हैं। कुरू नेशनल पार्क के टिकटोली गेट से 18 किलोमीटर दूर अंदर 5 हेलीपैड बने हैं, इनमें से 3 प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के लिए आए हेलीकॉप्टर के लिए रिजर्व है, और यहां से ही 500 मीटर दूर के दायरे में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया है, और इस मंच की ऊंचाई आपको दिखाएंगे 10 से 12 फीट। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारी है। वहां जैसे ही ये चीते पहुंचेंगे तत्काल अधिकारी अपनी आगे की तैयारी में लग जाएंगे। और एक तस्वीर और मिल रही है उमेश के साथ साथ हमारे साथ प्रहलाद भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो शोपुर में मौजूद हैं। प्रहलाद, थोड़ी देर बाद वो इंतजार खत्म हो जाएगा, आप कहाँ हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, और यहाँ से आप जहाँ खड़े वहां से कूनो कितना दूर है और क्या आगे की प्लानिंग? देखिए, इस वक्त हम शोपुर में मौजूद हैं और उस क्षण का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कुछ ही देर बाद भारत की धरती पर अफ्रीकी चीते जो नामीबिया से आ रहे हैं वो उनका जो विमान है स्पेशल वो लैंड करेगा, तो जो इंतजार की घड़ियां हैं कुछ घंटों बाद खत्म होंगी और कूनो में चीतों को शिफ्ट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करेंगे। उसका बेसब्री से इंतजार कुछ लोग हैं जो यहाँ श्योपुर के वासी हैं, उनके लिए ये क्षण बेहद अद्भुत है और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह का जो कदम है भारत सरकार ऐतिहासिक कदम उठा रही है और कूनो अभ्यारण्य को गुलजार कर रही है। सर, गिर के शेर लाने की बात थी, बहुत लंबा इंतजार था, लेकिन सरप्राइज में चीते आज प्रधानमंत्री जन्मदिन के मौके पर कूनो अभ्यारण्य में चीते भेंट कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? जी, पहले तो गिर के शेरों का यहाँ आने का था सर, इसीलिए यहाँ पर 24 गांव जो विस्थापित करके दूसरी जगह बसाए गए, न जाने किन कारणों से गिर के शेर नहीं आ सके, इसलिए जो नामीबिया से साउथ अफ्रीका से जो चीते आ रहे हैं उन्हीं को जो बसाने की योजना चल रही है। देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है सर, गिर के शेर नहीं तो ये चीते ही सही। हमारे शिवपुर पिछड़े हुए क्षेत्र के हिसाब से हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में कुछ डेवलप होगा, इसके सारे से लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए पर्यटक लोग आएंगे, विदेशी लोग आएंगे तो होटल वगैरह खुलेंगे, रोजगार का अवसर भी मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में जो ये कूनो अभ्यारण्य है वो टीडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ बहुत कम सुविधाएं हैं आवागमन की भी, तो ईश्वर चाहेगा तो इस दृष्टि से आवागमन भी बढ़ेगा और सुविधा भी होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं जो राजस्थान से हैं, एसपीजी के साथ वो आए हैं, उनके वाहनों को वो ड्राइव कर रहे हैं। आप कूनो अभ्यारण्य में थे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी वहाँ? वहाँ पे बहुत अच्छी सुरक्षा की गई है, मतलब अनजान गाड़ी अलाउ नहीं है और एंट्री से पहले बहुत चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की। एसपीजी के अंदर जो अभ्यारण्य के अंदर जो गाड़ियां रखी गई है, मात्र 15 गाड़ियां हैं जो एसपीजी की खुद की गाड़ियां हैं और जो एस्कॉर्ट में चलेगी, और उसके अलावा कोई गाड़ी बाहर अलाउ नहीं कर रहे, ना मीडिया की अलाउ करी जा रही है, ना किसी अन्य गाड़ी अलाउ की जा रही है, गेट भी रोक दी जा रही है। मतलब चाक चौबंद इंतजाम है, स्नीफर डॉग्स भी रखे हैं? हाँ बिल्कुल, स्नीफर डॉग्स के द्वारा गाड़ियां चेक की जा रही है सर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो राजस्थान के ही हैं, क्योंकि विजय जी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी दूर पर जहाँ शोपुर में हम खड़े हैं
यहाँ से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर सवाई माधोपुर है और वहाँ पर रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसकी बहुत कम दूरी रहती है। तो एक सर्किट डेवलप हो रहा है, तो इसको लेकर भी अभी हमारी इनसे बातचीत चल रही, तो कह रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो इनके मन की बात जान लेते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं जयपुर राजस्थान से। बहुत अच्छी बात है, राजस्थान में सवाई माधोपुर से जो लोग आएंगे टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट या इंडियन टूरिस्ट, उन लोगों को यहाँ भी देखने का मौका मिलेगा। पहली बार चीता देखने के लिए मिल रहा है, मैंने आज तक अभी चीता देखा ही नहीं। हम इसको पैंथर को चीता समझते थे, अब जालाना पार्क है वो, जब जैसे जालाना पार्क बढ़ा तो राजस्थान में टूरिस्ट बढ़े। सवाई माधोपुर में बहुत टूरिस्ट आते हैं और जयपुर में भी बहुत टूरिस्ट आते हैं। जो सवाई माधोपुर आएगा वो जरूर ये चीता देखने आएगा और इससे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, अपने देश का बहुत बड़ा विकास होगा, बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी है, आने वाली पीढ़ी को देखने मिलेगा और हमें भी देखने मिलेगा। हमने भी आज तक कभी चीता देखा नहीं, पहली बार हमें चीता देखने मिला, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सर ये बहुत अच्छी बात है ये मध्य प्रदेश के लिए, और यहाँ से सबसे अच्छी बात तो ये है कि रणथंभौर से नज़दीक है, यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो इसमें ज़्यादा नहीं टाइम लगता आने जाने में, तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ के लोकल पब्लिक को रोजगार मिलेगा इससे। बिल्कुल, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं विजय जी कि कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। 70 साल बाद भारत की सरजमी, वो भी ग्वालियर चंबल अंचल के श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य, जहां पर इन चीतों का कुछ देर बाद आगमन होगा। 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर विमानतल पहुंचेंगे और वहां से लगभग 10:30 बजे सेना के हेलीकॉप्टर में सीधे कूनो अभ्यारण्य, और तब तक ये जो चीते हैं वहां अभ्यारण्य में आ चुके होंगे क्योंकि कुछ ही देर बाद ग्वालियर में वो स्पेशल प्लेन लैंड होने वाला है और वहां से विशेष हेलीकॉप्टर में सीधे वो जो चीते हैं 8 चीते कूनो अभ्यारण्य पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उन्हें उनके बाड़ों में छोड़ेंगे। तो एक ऐतिहासिक पल सिर्फ चंद घंटे शेष रह गए हैं, लोग दिल थामे बैठे हुए हैं और तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और साथ ही उमेश आप भी नजर बनाए रखिएगा, और जैसे ही प्लेन लैंड करते हैं तत्काल सूचना दीजिएगा ताकि वो तस्वीर जो है वो हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। तो ये चीता हिंदुस्तानी कुछ ही देर में होने वाला है जो नामीबिया का है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रफ्तार के उस शहंशाह को, जंगल में सबसे तेज शिकारी, अब भारत की जमीन पर भी छलांग लगाता आपको दिखेगा।